आगामी विधानसभा को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसके बाद से पार्टी के अंदर दावेदारों का असंतोष उभर कर सामने आ रहा है, जिसे चुनाव के पहले भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि चुनावी घोषणा के बाद पार्टी प्रभारियों का दौरा अपने प्रभारी जिलों की ओर होने लगा है। इसी बीच दंतेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी से प्रभारी श्रीनिवास मंदी भी दंतेवाड़ा पहुंचे। पूर्व विधायक भीमा मांडवी की बेटी ओजस्वी भीमा मांडवी ने पार्टी से अपना माता को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई। वहीं वायरल वीडियो के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान ओजस्वी भीमा मंडावी के समर्थन में भारी संख्या में कार्यकर्ताएं जुटे। देखिए, अभी चुनाव प्रभारी की बात कर रहे हैं, प्रभारी की, तो मैं अभी प्रदेश मंत्री भाजपा का दायित्व निभा रही हूँ और साथ में सुकमा जिला का प्रभारी भी हूँ मैं। और दोनों जिला मेरा दौरा होता रहता है। और टिकट बदलेगा या ना बदलेगा ये तो मैं नहीं कह सकती अभी, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आएगा। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद जिला प्रभारी होने के नाते मेरा दंतेवाड़ा आना हुआ और इसी हमको बैठक लेकर चुनाव की रणनीति बनाने की उस बैठक में बात की। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और आज की बैठक एक रूटीन बैठक है। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि चुनाव लड़ने की और सभी उनके समर्थक भी चाहते हैं कि देखें, लेकिन पार्टी की एक लिमिटेशन होता है कि किसी को टिकट दे। उसके बावजूद मैं सभी से मिला और सभी कार्यकर्ताओं को भावनाओं से भी मैंने प्रदेश में अवगत कराया है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो भी लड़ रहा है वो चुनाव जीतेगा।